नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जहां देश में प्रियंका रेड्डी के साथ हुई दरिंदगी के हैवानों को पुलिस ने गोली भले ही मार दी हो, लेकिन उससे बाद उन्नाव पीड़िता की मौत हो गई, जिसको लेकर देश में लोगों में आक्रोशित है, खास करके उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि वाराणसी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कर रहे उन्नाव पीड़िता की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ किया गया है प्रदर्शन, और सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी से मांगी इस्तीफा। सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही उनका कहना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं राजकुमार जायसवाल, समाजवादी पार्टी का निवर्तमान महानगर अध्यक्ष वाराणसी। देखिए, पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल है, पूरा देश मरमाहत है। वो चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण, देश का कोई भाग ऐसा नहीं बचा है जहां पर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अनाचार, कदाचार चरम सीमा पर न पहुँचा हो। और उत्तर प्रदेश तो उसमें सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के अंदर से कानून का राज खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनता का विश्वास खो चुकी है। कहीं से भी आम जनता को ये नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार आम जनता के हित में उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है। उन्नाव का जो तत्कालिक केस है, ये अपने आप में साबित करता है कि मनबड़ों के अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए एक निरीह महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा देते हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उसको न्याय दिलाने के लिए पहले भी आवाज़ उठाई थी और आज भी उन्होंने आवाज़ उठाया। आज वाराणसी की धरती पर समाजवादी पार्टी के जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष जी, डॉक्टर पीयूष यादव जी, तमाम लोग, हम लोग ये मांग करते हैं कि माननीय योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता नहीं चला सकते, इसलिए आप अपना इस्तीफा दीजिए और जनता को इस सरकार को चलाने का मौका दीजिए। क्योंकि आपके अंदर अगर सलाहियत होती, काबिलियत होती, तो उत्तर प्रदेश इस तरह से जंगल राज में तब्दील नहीं हुआ होता। और हम लोग उन्नाव के लिए पीड़िता को यहाँ पर शोकसभा के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय से और देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय से ये आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसका तत्काल उपाय किया जाए, योगी जैसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। और ये था बनारस से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। और इसी तरह के खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।